क्या है वो वजह जिसके चलते सेलिब्रिटीज ने अपने मोबाइल पर या अपने डिवाइसेस पर 3 लेयर लॉक लगा रखे थे? ये खबर है, मैंने आप लोगों को कल बताया था किस तरह से एनसीबी ने रिट्रीव किए हैं कई गैजेट्स में से फुटेज। लेकिन क्या ऐसी बात है जिसके चलते सेलिब्रिटीज 3 लेयर्स का लॉक लगा के रखते थे अपने फोन में? ऐसा क्या था उनके फोन में, ये समझने और देखने वाली बात है। नॉर्मली हर कोई इंसान अपने फोन्स में लॉक्स रखता है, नंबर लॉकिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीका अपनाया गया है। क्या है वो तरीका, वो मैं आप लोगों को बता दूं, और क्या है वो गैजेट्स के अंदर कुछ कुछ बातें निकल कर आई हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सेलिब्रिटीज के डिवाइस में 3 लेयर के लॉक। आपको बता दें, गुजरात FSL के पास बॉलीवुड की नामी हस्तियों के कुल 84 डिवाइस हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कहां कहां से इक्विपमेंट्स हायर किए गए हैं गुजरात FSL द्वारा, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया था इसराइल से इक्विपमेंट्स हायर हुए हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू अनलॉक द गैजेट्स डिवाइस। तो अब उसके चलते FSL की लैब में जैसे जैसे एक के बाद एक डिवाइस अनलॉक हो रहे हैं, वैसे वैसे सेलिब्रिटीज़ के सीक्रेट भी ओपन हो रहे हैं। FSL की जांच में यह भी सामने आया है कि फ़ोन में सेलिब्रिटीज़ ने 3 लेयर कोड रखे थे, जिसमें स्क्रीन लॉक, नंबर कोड और उसके बाद ऐप लॉक सॉफ्टवेयर भी शामिल है। वहीं किसी भी सेलिब्रिटीज़ ने जांच एजेंसियों को अनलॉक कोड नहीं बताए थे, लेकिन FSL ने इन्हें अनलॉक कर दिया है और वो करती जा रही है अनलॉक हर उस डिवाइस को। FSL अधिकारी ने बताया कि सेलिब्रिटीज़ ने सेफ्टी हेतु एंड्रॉयड फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर भी ले रखे थे। ये पेड सॉफ्टवेयर थे जिनकी मदद से सेलेब्स अपने फ़ोटो, स्क्रीनशॉट, वीडियो डाटा, व्हाट्सअप चैट, SMS, कॉल लॉक, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल लॉक को प्रोटेक्ट किया गया था, जिन्हें अब लगातार खोला जा रहा है। तो कई राज निकल कर आएंगे, लेकिन मेन ये है देखना और समझना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में क्या खबर निकल कर आती है। वहीं चैट और स्क्रीनशॉट में नजर आए ड्रग्स, ये खबर है। FSL के अधिकारी के अनुसार NCB द्वारा उन्हें दिए गए फोन में चैट और स्क्रीनशॉट में छोटे छोटे पाउच में काले रंग की चीजें दिखाई दे रही हैं, जो वीड, मरिजुआना हो सकती हैं। इसके साथ कई टैबलेट के सिंबॉलिक पिक्चर भी हैं। NCB इसी के आधार पर जांच कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके चलते बड़ी आशंकाएं हैं सेलिब्रिटीज पर कि किस तरह से वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देते थे बाय टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल। लेकिन क्या है असलियत, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज़ के डिवाइस अब खुल रहे हैं, तो खुलने के बाद उजागर होंगी सारी वो बातें जो कि इलीगल हैं। लीगल है तो कोई बात ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, सब सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के चलते कई गुत्थियाँ खुल सकती हैं। 3 लोग ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में अरेस्टेड हैं। देखना होगा कि आने वाले टाइम में इन एविडेंसेस से NCB सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस एज वेल एज डेथ केस में क्या खबर निकाल कर लाती है, और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस कब मिलेगा, जिसकी आस दुनिया में कई लोग और SSRians, SSR के फैंस और SSR की फैमिली वेट कर रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज़। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा।